कोयला आवंटन दुर्नीति मामला दिलीप राय को मिलला जमीन। 1999 मसियारे कोयला खादन आवंटन मामलें अनियमितता निमते पूर्वतन केन्द्र कोयला मंत्री दिलीप राय दोषी सब्यस्त होता बेले आज सीबीआई स्वतंत्र अदालत तीन वर्ष जेल दंडादेश करते एने दिलीप राय से कोर्टे जमीन आवेदन करोर्ट जमीनदार और 1,00,000 टंका बेल बंड में जमीन देखते पूर्व देखा जाए मामलें दोषी को 5 वर्ष जाए जेल दंड होता है। दिलीप राय बयस और पूर्व क्राइम रेकर्ड को अनुधान कर कोहल दंडादेश होता कह मामलें जड़ित अन्य दुई अधिकारी प्रदीप कुमार बानाजी और नित्यानंद गौतम को सीबीआई स्वतंत्र अदालत 3 वर्ष लेखाए जेल दंडादेश कर पूर्व दंड घोषणा नहीं समय धार्य होते कौन कारण जो अदालत आज यह घोषणा करे पुनर्वार घोषणा करते मामलें सीबीआई दिलीप को आजीवन कारावास प्रदान करमें स्वतंत्र अदालत में चुक्ति बाढ़ा अंपक्ष दिलीप को वकिल बयस और पूर्वर उत्तम छवि को दृष्टि रखी दंड विधान कोहल करने को अदालत में अनुरोध करते उभय पक्षर जुक्ति शुणापर स्वतंत्र अदालतर विचारपति भरत पराशर दंडादेश अक्टोबर 26 प्रदान घोषणा करते 1999 मसीह कोयला दुर्नीति मामलें दिलीप कोयला मंत्रालय दुई वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बानाजी और नित्यानंद गौतम को अदालत पूर्व दोषी सब्यस्त करते कास्टन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यार निर्देशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल और कास्टन माइनिंग लिमिटेड को दोषी सब्यस्त कर।